बड़े सीरियस मैटर के बावजूद एल्विश यादव के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो थोड़ी सी इसमें ढील तो देखिए बढ़ती जा रही है, लेकिन ये है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। देखिए, जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत जांच और कार्रवाई। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अगले 2-3 दिन एल्विश यादव के लिए काफी क्रिटिकल होने वाले? क्या नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर शिकंजा कस दिया है और जहरीली पार्टियों की सारी लोकेशन ट्रेस कर ली? सवाल ये भी है कि अभिनेता फैजान अंसारी और गहना वशिष्ठ के आरोपों ने एल्विश यादव की मुश्किलें क्या वाकई बढ़ा दी? दरअसल एल्विश यादव को लेकर अभी तक नोएडा पुलिस एक्शन बोर्ड में दिखाई दे रही। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में केस ट्रांसफर होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव को नोटिस भेजा गया है और हो सकता है कि आरोपी राहुल के सामने बिठाकर एल्विश से पूछताछ भी। फिलहाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन अभी थाना 20 से चल रही है और उसमें एक अनुभवी आईओ को लगाया गया है और इन्वेस्टिगेशन का जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। उसमें काफ़ी लोगों को जो है वो सभी तरह के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बताया गया है और जो एक्यूज्ड जेल भेजे गए थे उनका पुलिस कस्टडी रिमांड जो है अप्लाई किया गया है। अभी PCR अप्लाई किया है हमने, PCR मिलने के बाद और फिर पूछताछ भी की जाएगी। तो पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई वो हमने आपको सुनवाया। इस बीच एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली। अभिनेता फैजान अंसारी ने मुंबई से सटे मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर को एल्विश के खिलाफ शिकायत दी है। अब इस शिकायत में फैजान अंसारी ने एल्विश को ड्रग डीलर बताया है। एल्विश के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है, साथ ही मनीषा रानी पर भी गंभीर आरोप लगाए। फैजान ने भारत से बातचीत में एल्विश पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप लगाया। फैजान ने आरोप लगाया कि एल्विश का नेटवर्क हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है। फैजान अंसारी का यह भी आरोप है कि मनीषा रानी की रूममेट उनकी दोस्त है और उसने मनीषा पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। फैजान का दावा है कि मनीषा के फोन से कई अहम सुराग मिल सकते हैं, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। इस बीच शिकायतकर्ता के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता को धमकी दी जा रही है, फोन पर धमकियां दी जा रही, लेकिन उन्होंने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। इन सबके बीच अभिनेत्री गहना वशिष्ठ ने सवाल उठाए कि अभी तक एल्विश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या वो शाहरुख खान के बेटे से बड़ा है? क्या उसके लिए हमारे संविधान के नियम अलग हैं? क्या उसके लिए डेमोक्रेसी यानी कि आजादी कुछ ज्यादा है या हमारे देश के कानून उसके लिए पूरी तरह से बदल गए हैं? इतना बड़ा, इतना संजीदा मैटर है और राजस्थान पुलिस ने उसे आसानी से जाने दिया। ये NDPS एक्ट के अंदर आता है। NDPS एक्ट की जो चार्जशीट होती है वो भी 90 दिन में फाइल नहीं होती, वो भी लेट फाइल होती है, क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है ये। मैटर एक सोसाइटी के लिए थ्रेट है, ये लोग सोसाइटी के लिए अपने आप एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नशा जिस तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, नशे में पता नहीं चलता कौन सा किसकी फैमिली का कौन सा मेंबर कब आ जाए। तो इतने बड़े सीरियस मैटर के बावजूद एल्विश यादव के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों उसे ऐसे खुले में छोड़ दिया गया है? तो गहना वशिष्ठ को आपने सुना, वो सवाल उठा रहे हैं कि एल्विश यादव को बुलाकर अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। एल्विश यादव सोशल मीडिया पर लगातार सफाई दे रहे, नए नए वीडियो डाल रहे, लेकिन एल्विश के खिलाफ जो FIR दर्ज है वो काफी गंभीर है। कानून के जानकार भी मानते हैं कि एल्विश को लेकर पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए या फिर वारंट भी जारी करना चाहिए। सुनिए, एल्विश यादव केस है, उसमें सबसे पहले जो सेक्टर 49 में इनकी FIR हुई है वो सेक्शन 9, 39, 48A, 50 और 51 के तहत हुई है, जो कि गंभीर मामले हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। उसके अलावा 120B भी लगी है IPC के तहत। तो इस मामले में जैसा अभी पता लग रहा है कि एल्विश यादव एब्सकॉन्डिंग है, फिर भी पुलिस को इस बारे में एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला
जैसा अभी राजस्थान पुलिस के साथ जब हुआ था, जब इनको रोका गया था और आपका यूपी पुलिस ने कोई एक्शन, कोई कार्यवाही इस पर नहीं की, तो थोड़ी सी इसमें ढील तो देखिए बढ़ती जा रही है। लेकिन ये है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और दूसरा ऑप्शन इसमें जो लीगल एस्पेक्ट निकल कर आते हैं कि अगर वो आपके गिरफ्त में नहीं आ रहा, या जैसा अभी पता लग रहा है कि वो एब्सकॉन्डिंग है, चूंकि उसका नाम एक FIR में गंभीर मामलों में आया है वन्य जीवन संरक्षण के तहत भी और इंडियन पिनल कोड के तहत भी, तो उसमें उनके खिलाफ वारंट इशू होना चाहिए। कोर्ट से आप वारंट ले सकते हैं, उसमें अवेलेबल वारंट इशू होता है, और ये कार्यवाही पुलिस को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि जिसमें थोड़ी सी ढील और कोताही बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा वकील मनीष को किस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे कि लापरवाही बढ़ती जा रही है पुलिस की ओर से। इन सब सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उन पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए, एलविश यादव का एक मामला है, उस पर सवाल लेना चाहूंगा। गंभीर आरोप है इसको लेकर, आप क्या कहें? देखिए, जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि एल्विश एंड मनीषा रानी, जो कि आज नया नाम सामने आ गया मनीषा का, जहरीली कहानी में क्या ये नया ट्विस्ट है? गहना फैजान के गंभीर आरोप, क्या एल्विश यादव फंस चुके हैं? एल्विश यादव जांच से बच रहा या फिर कोई बचा रहा? क्योंकि अभी तक कई कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो कि मनीष पाठक की भी आपने बातें सुनी। एल्विश की मुझे बढ़ गई है, सारी लोकेशन क्या ट्रेस हो गई है और तब नोटिस जारी हुआ है। नोएडा पुलिस का नोटिस, आखिरकार कब तक भागेगा एल्विश यादव? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ निकिता चावला मॉडल है, निधि चौधरी यूट्यूबर है, विक्रम सिंह जी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे जो कि पूर्व DGP उत्तर प्रदेश पुलिस, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और प्राची अधिकारी हमारे साथ, अभिनेत्री और मॉडल हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकिता, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्या यह वाकई लगता है कि गंभीर मामला और उसमें पुलिस को जैसा एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया? अब तक वारंट जारी हो जाना चाहिए था या फिर बुलाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए थी, जो अब नोटिस जारी हुआ है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाय, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सो मेरा इंट्रो गलत है, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी इस पूरे केस में कि दिस पर्सन एज इस हमारे देश में कोई, हम किसी को भी सेलिब्रिटी बना देते हैं, किसी को भी एक यूथ आइकॉन के नाम पे मान लेते हैं एंड उसकी हर चीज को फॉलो करते हैं। एंड हमारे आइकॉन्स भी कुछ ऐसे हैं कि जब उनको लोगों से प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तब तो खुशी खुशी सब वाहवाही ही लूट लेते हैं, दे टेक ऑल द बेनिफिट्स, बट जब यही उनके अगेंस्ट कोई बात होती है तो उनसे सहन नहीं होती, देन दे रीच आउट टू द सोशल मीडिया एंड से कि हमसे यू नो मीडिया खराब है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, बट ये बात सही नहीं है। सो अगर आपने कुछ किया है, आपके अगेंस्ट FIR हुई है, आपके अगेंस्ट इतनी सारी कार्यवाही चल रही है, आप पुलिस को, सरकार को अपना काम करने दीजिए एंड आप सामने आइए ना, अब वास्तविक रूप में आप आइए पुलिस स्टेशन, आइए अपने बयान दीजिए। ये एब्सकाउंट करके सोशल मीडिया पे बोलने की क्या जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो देश की जनता है, युवा पीढ़ी है, हम किसी को भी आइकॉन बना लेते हैं। अब कोई अगर एक सांप का वेनम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एनिमल अब्यूज में टेक पार्ट कर रहा है और ये इसके ऊपर बस ऐसे ही लाछनी लगा दिए गए हैं, इनके ऊपर काफी देर से एक फॉलो अप किया जा रहा है एज पर मेनका गांधी एंड अ लॉट ऑफ पीपल। सो वी नीड टू सी दैट इज दिस पर्सन रियली वर्दी ऑफ बीइंग अ यूथ आइकॉन। आई मीन दिस इज समथिंग जो मुझे समझ ही नहीं आता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ऑल्सो ये भाग क्यों रहे हैं, ये एक बात है जो मुझे नहीं समझ में आती, व्हाई इजंट ही हियर? क्या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर है? नहीं नहीं, निकिता, एल्विश यादव ने तो ये कहा कि ठीक है पुलिस जब बुलाएगी, अब तो ये देखना है कि पुलिस ने चूंकि नोटिस जारी कर दिया है तो कब वो पुलिस के सामने जाते हैं, जानकारी क्यों नहीं जा रहे? वही तो सवाल है, क्यों नहीं जा रहे, किस बात का डर है कि अब्सकाउंट करके सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं? जा क्यों नहीं रहे? राकेश जी आ रहा हूं, करण वर्मा, सीधे तौर पर निकिता ने जो कहा, मनीष पाठक ने जो बातें कही, वो कह रहे कि ये सीधे भागने का मामला है, खुद क्यों नहीं चले गए पुलिस के सामने, अभी तक नोटिस का इंतजार क्यों कर रहे थे? एक बात बताइए राकेश जी, आपको लग रहा है एल्विश भागे हुए हैं? ये कितना फैक्चुअली और तथ्यात्मक रूप से गलत स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से जानकारी का अभाव हो, इनका सवाल है। अरे मुझे बोलने दीजिए सर, आप क्यों मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलिए। निकिता जी ने पहले कहा और उससे पहले शायद आपके जो वकील थे मनीष पाठक, दोनों ने बिल्कुल गलत बात करी। जानकारी का अभाव,
भागा हुआ है कह रहे हैं, वो व्यक्ति सामने खड़ा है, राजस्थान पुलिस उससे बात करके हटी। राजस्थान पुलिस ने जब फोन किया नोएडा पुलिस को कि इन व्यक्ति के खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड है, क्या करना है, तो आपको पता है फोन पे क्या बोला नोएडा पुलिस ने? नोएडा पुलिस ने बोला इसके खिलाफ कोई समन इशू नहीं है, इसको आप घूमने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, कहीं से भी भागा हुआ नहीं है। अरे कम से कम सही तथ्य रखिए सामने भाई। राकेश जी मैं आपको बहुत उच्च स्तर का एंकर मानता हूं, भागा हुआ एल्विस क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, करण वर्मा, करण वर्मा, करण वर्मा सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि, सुनिए ना भाई, सुनिए 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 जी, मैं जी, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि एल्विस यादव एब्सकॉन्डिंग है, ना मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। निकिता ने जो बात कही, मनीष पाठक ने जो बात कही, मनीष पाठक ने जो बात कही, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, क्योंकि एल्विस यादव ने लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की है, अपनी बातें रखी हैं। मैंने तो पहले दिन राष्ट्रवाद के मंच से एल्विस यादव को इनवाइट कर दिया था और आज भी कह रहा हूं, आ जाइए आप, जुड़ जाइए, बातचीत करिए हमसे। लेकिन खैर ये एक अलग मसला है। मेरा सवाल है करण, सेक्शन नाइन, सेक्शन नाइन जो सवाल निकिता उठा रही है, समझ जाएगा तभी इन शो। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्लीज डोंट टॉक व्हेन यू डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट। आपको जब सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान ना हो मत बोलिए, प्लीज। ही इज ओनली शोइंग अप ऑन हिज सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया समझ लीजिए, उसका हक है। तो वही तो सही जगह तो एक प्यादा है, अपनी सफाई देने का, वो तो सिर्फ एक प्यादा है, वो रखिए दावा। अरे आप शाहरुख के बेटे के बारे में बोली होती, किसी खान गैंग के बारे में बोली होती तब तो बात होती, अब ये जो एक छोटा सा मोहरा है उसको बना रहे हैं मोहरा उस बेचारे को, जो प्राची में आ रहा हूँ, प्राची में आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन उससे पहले करण वर्मा, करण वर्मा, करण वर्मा, सेक्शन 9, सेक्शन 39, सेक्शन 48A, सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 51, IPC 186.0.120B। मेरा सवाल यह है, या फिर मनीष पाठक ने जो बातें कही थी, क्या किसी और पर ऐसी धाराएं लगी होती तो क्या अब तक पुलिस बुलाकर पूछताछ नहीं कर चुकी होती? क्या एल्विस यादव, चूंकि एल्विस यादव है, चूंकि उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, चूंकि करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, इसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है? तो आपका क्या कहने का मतलब यह है राकेश जी कि यूपी पुलिस जो योगी जी के अंडर है वो पक्षपात कर रही है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, यादव से, करण वर्मा, मैं पूछ रहा हूँ उसकी जगह पर कोई और आम आदमी होता तो क्या अब तक पूछताछ हो चुकी होती या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं हो चुकी होती, क्योंकि केस बहुत ही वीक है। अब एक समान इश्यू हुआ है क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है, अदरवाइज दो लोगों की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में एक व्यक्ति का नाम आता है, कंप्लेनेंट उसका नाम दे देता है, वो वहां उस जगह पे पाया तक नहीं जाता है और उसका तो ऐसे ही तो केस दर्ज होता है करण वर्मा, ऐसे ही केस दर्ज होता है, उसके बाद देखे जाते हैं सबूत है कि नहीं सबूत है, नहीं सबूत होते हैं तो आदमी छूट जाता है, बिल्कुल पुलिस उसी के आधार पर चार्जशीट तैयार करती है। तो अभी आपने अगर समन इशू किया है तभी तो वो आएंगे ना, चलकर तो आ नहीं जाएंगे वो। चलिए प्राची, आपने ना समन इशू किया, ठीक ठीक, ना कुछ किया, ऐसे कैसे कोई व्यक्ति आ जाएगा? प्राची आप कुछ कह रही थी, फिर उसके बाद बिना तथ्य आए प्लीज इस व्यक्ति को मुजरिम मत घोषित। नहीं नहीं, बिल्कुल हम मुजरिम घोषित नहीं कर रहे करण वर्मा, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि मुजरिम है, हमने बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा एक मिनट हो गया, रुकिए रुकिए, विक्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करण वर्मा मैं क्लियर कर देता हूँ, किनारे लगा दो, विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, एक मिनट प्राची और निधि आपके पास मैं आ रहा हूँ। विक्रम जी आपको आवाज आ रही है? जी हाँ आपकी आवाज आ रही है, नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी, मनीष पाठक एक वकील है, यहां पर भी ये सवाल उठा कि एल्विस यादव के मामले में पुलिस ने शुरुआती लापरवाही बरती है, तो नंबर एक सवाल विक्रम जी की, क्या लापरवाही बरती है आपको लगता है ऐसा? नंबर दो बात, जिन सेक्शन की बात हम कर रहे हैं, सेक्शन 9, 39, 48A, 49, 50, 51, 120B, 1860, क्या इन सब सेक्शंस में कोई आम आदमी होता तो अभी तक पुलिस की पूछताछ से बच चुका होता या फिर उससे पुलिस पूछताछ कर चुकी होती? पहले सवाल का जवाब कि एल्विस यादव एक आरोपी है, FIR में नामजद मुजरिम है, नामजद आरोपी है, तो नामजद आरोपी का एक विशेष दर्जा होता है। सजाएं दो प्रकार की होती हैं, 3 साल से कम या 7 साल से ज्यादा। इनके ऊपर जो अपराध पंजीकृत हुआ है उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं में 6 साल से ऊपर की सजा है, इसलिए इसमें नोटिस देने का प्राविधान नहीं, इसमें सीधे गिरफ्तारी का प्राविधान है। दबिश और गिरफ्तारी छोटे मोटे जो अपराध होते हैं उसमें नोटिस जाती है, उसमें CRPC के अंतर्गत नोटिस जाती है और शामिल विवेचना होने के लिए उनको आदेशित किया जाता है। लेकिन अन्य अपराधों में जिसमें NDPS एक्ट है और इसमें अन्य जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत और FIR में अगर नामित आरोपी है तो पुलिस को कोई औचित्य नहीं है उनको नोटिस या सम्मन जारी करने का, सीधे दबिश और गिरफ्तारी का प्राविधान है।
और ये बड़ी गंभीर धाराएं हैं इसमें किसी तरीके की कोई। और आपने सही कहा, पहली जो चूक हुई थी यूपी पुलिस के थानाध्यक्ष के द्वारा कि जब राजस्थान ने पूछा कि आपके यहाँ वांछित है नहीं, पता नहीं किन परिस्थितियों में आके थानाध्यक्ष ने कहा ये वांछित नहीं है, जो कि बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक और त्रुटि दोनों में कहूंगा मैं समझता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कोई उनके ऊपर प्रभाव था या भ्रष्टाचार था अथवा दोनों था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वो निलंबित भी हो गए हैं। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि इसमें मुद्दा ही डीएफओ भी है, इसमें एक कंप्लेंट और भी हुई है मुंबई में, और उसके मद्देनजर एल्विश को चाहिए अपने वकील के माध्यम से यह स्वयं आकर के अपनी सफाई पेश करे, वरना इसके दूरगामी भयावह परिणाम उसके साथियों के लिए होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। विक्रम जी, मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं और बहुत क्लियर करने के लिए पूछता हूं, सेक्शन 9 अगर मैं ठीक हूं वन जीव अधिनियम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 6 साल तक की सजा, इसमें नोटिस नहीं जारी होना चाहिए था, पुलिस को अब तक एल्विश यादव को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए थी, गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, मैं ठीक हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पॉट अरेस्ट विद रिकवरी है, स्पॉट अरेस्ट विद रिकवरी है, और चूंकि रिकवरी ऑन द स्पॉट है इसलिए इसकी बात की प्रकरण की गंभीरता और विश्वसनीयता एक दूसरे स्तर की है। ये एक उदार दृष्टिकोण एल्विश के प्रति नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक, आपने बहुत बड़ी बात कही है, अब बोलिए प्राची, करण आपके पास भी आऊंगा। विक्रम जी, जो कि यूपी पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, उन्होंने तो कह दिया कि पुलिस अभी तक बैठी क्यों, अब तक तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था एल्विश यादव को। देखिए, जो एनिमल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा है इन पे, ये मैं मानती हूँ और इसकी जांच हो रही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये तो बॉलीवुड में सदियों से चला हुआ आ रहा है? आज से 10 साल पहले भी विजय माल्या के जब सुपुत्र पार्टी देते थे तो ये कोबरा वेनम वगैरह का तो बहुत कॉमन था, और हम लोग इसके विषय में बात करते थे तब एंकर चौक जाते थे और कहते थे कि ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। मैंने आपसे कहा था कि ये एक लत है जो इंडस्ट्री में है, तो एल्विस तो एक छोटा मोहरा बनाया जा रहा है उसे, ये बाकी लोगों को जो बाकी लोग हैं जो कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि पिक्चर तो प्राची अभी तक चल रहा था इसलिए आगे भी चलता रहेगा, इसलिए छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान से बढ़कर, मैं कानून की स्टूडेंट हूँ, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं एक अभिनेत्री होने के साथ साथ कानून की स्टूडेंट हूँ, इसलिए संविधान से बढ़कर, इस देश के कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर एल्विस को लोग इतना प्यार करते हैं तो एल्विस को सामने जैसे वो आ रहे हैं, पुलिस अगर उनको बुलाती है वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा। नहीं नहीं, सवाल इससे आगे का है प्राची, इससे आगे का सवाल है। निधि, विक्रम जी ने साफ तौर पर कह दिया यहाँ पर एल्विश यादव को पुलिस के नोटिस समन का वेट ही नहीं करना चाहिए था, यहाँ तो पुलिस को अधिकार है कि गिरफ्तार कर ले सीधे जाकर एल्विश यादव को। एल्विश यादव खुद क्यों नहीं पहुंच गए? निधि रुक जाइए, प्राची रुक जाइए, निधि का समय बड़े रुक जाइए, प्राची रुक जाइए, रुक जाइए। निधि, एलिगेशन में फर्क होता है, उस बेसिस पर अगर गिरफ्तार किसी को भी करे, चाहे एल्विश हो चाहे कोई भी हो, कई बार ऐसा भी आता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो पूरे सबूत जब तक नहीं मिल जाए तब तक ये आगे प्रोसीड नहीं होना चाहिए। जो गिरफ्तारी की बात हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन इसमें तो प्रावधान है ना, अगर आप अभी तक पूछताछ नहीं कर पाए तो ये साफ तौर पर मामला शक जता दिया विक्रम जी ने, निधि, कि ये कहीं से प्रभाव में आकर पुलिस ने ऐसा कदम नहीं उठाया। न्यूज़ में हर जगह की भाग गए, मैं तो हर जगह देख रही हूँ भाग गए, इतना ज्यादा विषय में बात ना करें क्योंकि कानून के ऊपर टिप्पणी करने से हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं प्राची अधिकारी, मैं कोई कानून पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने ओपिनियन लिया विक्रम जी से कि मैं ठीक हूँ गलत हूँ क्या हूँ। एंकर महोदय, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं पैनलिस्ट को बोल रही हूँ, पहली बात ये, क्योंकि आपका काम है आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं आप तो सवाल पूछ रहे हैं। मैं अपने को पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है जो उनको नहीं पता है, जिसके बारे में वो श्योर नहीं है, तो उसके ऊपर टिप्पणी ना करें, और ऐसे बात ना करें कि जैसे अभी एल्विस से बात करके आए, अगर एल्विस से बात करके आए तो यहाँ पर बताइए। मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ ऊपर, मैंने खुद लॉ करी हुई है, एडवोकेट हूं। अच्छा, एक सेकंड। But yes, I used to practice. I have left. It's been many years. बहुत साल हो गए। मैं आपको बहस करने के लिए लगता है। ये किसमें लगता है? अरे आप मुझे देखो, कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे बहस करने में। उनको भी पता होता है। आप यहाँ पर वो बैठे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हैं, आप उनको बता रही हैं कि अभी ऐसे गिरफ्तार। एक सवाल, अब रुक जाइए, रुक जाइए, एक सवाल मैं विक्रम जी आपसे और पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, विक्रम सिंह जी नहीं, मुझे लग रहा है
है कि आपने कुछ कर रखा है क्या? आपने कुछ कर रखा है क्या? आपने पार्टी अटेंड करी है? आपने पार्टी अटेंड करी है? आपने पार्टीज अटेंड करी है? आपको इनके विषय में कुछ पता है? आपको इनके विषय, इन पार्टीज की गहराई जानती है? आपकी रेप पार्टीज जो होती है, मैं एल्विस पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पर बॉलीवुड को खेल रही हूँ, जो बॉलीवुड इसके लिए जिम्मेदार है, जो चाह रही है। प्राची, प्राची, प्राची और निधि, प्लीज 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 प्लीज, विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, जरा स्क्रीन पर आइए। अरे रुक जाइए प्राची, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्राची, प्राची प्लीज शांत हो जाइए, प्राची शांत हो जाइए, प्राची शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। विक्रम सिंह जी, दो और सवाल मैं एक साथ पूछता हूँ। नंबर एक बात, क्या एब्सकॉन्डिंग माना जाएगा, भगोड़ा माना जाएगा? क्योंकि मनीष पाठक ने ये बात कही थी और यहां पर भी ये बात उठ गई, तो क्या ये माना जाए? नंबर दो बात, ये बार बार कहा जा रहा है कि वो तो सोशल मीडिया पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस ने उन्हें रास्ते से जा रहे थे उस दौरान रोककर बातचीत की थी। नंबर दो बात यह है कि क्या एल्विस यादव खुद पहुंच जाते तो उनका पक्ष मजबूत नहीं होता पुलिस के पास? राकेश जी, दोनों बातों का जवाब और उसके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की जाती है और नंबर दिया जाता है, भगोड़ा नंबर 14, इनाम 50,000, ऐसा कुछ भी एल्विस के साथ नहीं हुआ है। और विवेचना कुछ चरणों में होती है, मौका मुआयना, नक्शा नजरी, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी, चश्मदीद शहादत, समय शहादत, इतने करने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से पैनलिस्ट अपने विद्वतापूर्ण प्रश्न पूछ रही है, पूछ रहे हैं, न्यायालय भी प्रश्न पूछेगा कि आपने किस आधार पर गिरफ्तारी की और किस आधार पर आपने रेड्स किए और सर्चेस की, उस आधार को पुख्ता करने के लिए, इसीलिए सीआरपीसी में सामान्यतया 60 से 90 दिन तक विवेचना करने का अवसर विवेचक को दिया जाता है। वर्तमान में चूंकि ये एक एफआईआर में नामित अभियुक्त है और स्पॉट रिकवरीज हुई है सांपों की और मटेरियल की, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल की, इसलिए इनके हक में ये होगा कि अपनी मौजूदगी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता और मौजूदगी थाने को सूचित करें, इधर उधर घूमने की कोशिश न करें और अपने वकील के जरिए ये स्पष्ट करते विवेचक को कि जब हमारी जरूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे, अभी इनको पलायित अपराधी या भूमिगत अपराधी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, और तो ये कोई भी कह रहा है ये गलत है। अब करण वर्मा, नंबर एक बात, जो पहले विक्रम जी ने कह दी थी कि पुलिस को अधिकार है गिरफ्तार करने का, अब तक चाहती तो गिरफ्तार कर भी लेती, क्यों राजस्थान पुलिस को कह दिया, इस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर मामला तो बन रहा है कि कोई एल्विस यादव को सपोर्ट कर रहा है, या फिर अभी तक जो पूरी पोजीशन है वो गलत है? देखिए राकेश जी, विक्रम सिंह जी मेरे लिए बहुत पूजनीय है, मैं उनकी बातें सुन सुनकर हम लोग सीखे हैं, तो अगर वो, उनका तो ओहदा इतना बड़ा है कि वो ये बोल सके हैं कि भाई हो सकता है यूपी पुलिस से ये गलती हो गई हो या कुछ पक्षपात हो गया हो या गैर जिम्मेदाराना हो, हमारा इतना ओहदा नहीं है। मैं नहीं मानता कि यूपी पुलिस से ऐसी कोई भूल चूक हुई होगी, मैं मानता हूं एज पर प्रोसेस चल रही है। अब उन्होंने अगर समन इश्यू किया है तो एल्विस को बिल्कुल हाजिर होना चाहिए, यह अपेक्षा गलत थी कि एल्विस खुद ब खुद ही वहां पहुंच जाए, ये मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा अपेक्षा थी। और एल्विस को भगोड़ा कहना, विक्रम सिंह जी ने भी इसको स्पष्ट किया, ऐसे भगोड़ा कहना भी नाइंसाफी है जिस तरह से सुबह से चलाया जा रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से इन्होंने बिल्कुल सही बात करी। हमने भगोड़ा चला क्या? आप लोग भी चला रहे हैं ऊपर, भागा हुआ है, भगोड़ा चला हुआ है, दिखाइए स्क्रीन पर भगोड़ा लिखा हुआ है, कुछ भी बोलते हैं, लिखा नहीं है, कब तक भागेगा एल्विस? अरे तो भगोड़ा कहां लिखा हुआ है भाई, तो यही तो है कि अब तक खुद पहुंच जाना चाहिए था, बोल देना चाहिए था, एल्विस क्या है, नोटिस समन का इंतजार कर रहे थे, ये कहने का मतलब है भगोड़ा कहीं नहीं लिखा हुआ एल्विस यादव भगोड़ा है, कब तक भागेगा एल्विस, ये सही लाइन नहीं है राकेश जी, आप भी मानेंगे पहुंच जाना चाहिए था। विक्रम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप समन करिए वो आ जाएंगे। राकेश जी केवल एक बात, अगर थानाध्यक्ष निलंबित हुआ है महत्वपूर्ण थाने का, इसका मतलब कोई भयानक प्रशासनिक चूक उसके द्वारा की गई है तभी निलंबित हुआ है, अकारण निलंबित नहीं हुआ है, तो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी चूक हुई है, वरना नोएडा का थानाध्यक्ष सामान्यतः निलंबित नहीं होता है। बिल्कुल, और सवालों से भागने की बात हो रही है निकिता, सवालों से भागने की बात, तो क्या एल्विस यादव नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, समन का अभी तक इंतजार कर रहे थे, तो क्या ये माने कि वो सवालों से भाग रहे थे, सवालों का सामना जल्दी नहीं करना चाहते थे? वो ये नहीं चाहते, इट्स नॉट अबाउट सवालों का सामना, उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास एक सर्टन स्टेटस है कि उनके रेप्यूटेशन पे आंच ना आए, इसीलिए वो अपने बयानों पे बार बार ये कह रहे हैं कि मीडिया को सिर्फ टीआरपी की पड़ी हुई है, किसी भी चैनल को ये मीडिया सबको बना देती है, गिरा देती है, ये जिस तरह के स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। सो जैसा कि विक्रम जी ने अभी बोला, आई मीन यूपी के पूर्व डीजीपी होने के नाते उनको काफी नॉलेज है, उनका ओहदा बहुत बड़ा है, उन्होंने भी बोला कि ये स्पॉट अरेस्ट एंड रिकवरी की बात है, ये कोई आम आदमी होता तो अभी तक
एक्शन ले लिया गया होता, काफी कुछ हो गया होता, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। सो यस, देखा जाए तो वो अगर फिजिकली नहीं तो एक मेंटली तो भाग ही रहे किसी भी चैनल नहीं आ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। अभी वक्त इतना ही है, लेकिन नोएडा पुलिस ने नोटिस जारी किया है, सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। अभी हमने एल्विश केस में नेट ट्विस्ट की बात की, उस पर चर्चा की।